गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो जो मेरा ट्रैवल प्लान है इस बार का, तो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ नासिक और उसके अराउंड जो भी रीजन है, जैसे भंडारदरा हो गया, मार्शेस रीजन है जो पुणे के पास में है, लेकिन हम यहीं से होते हुए जाएंगे। तो कुछ इस तरह का 3 दिन का हमारा प्लान है। तो अभी हम जहाँ पे रुके वो है शेगांव का, जो गजान महाराज का संस्थान होता है उनका यहाँ पे एक संस्थान है। और कल रात को ही हम यहाँ पे पहुँच गए थे, कल दोपहर में निकले पुणे से। तो आज से जो है हमारा सब एक्सप्लोर करना शुरू हो रहा है। तो आज है day 1 और मेरे कुछ दोस्त है जो अकोला के हैं, जिनको आपने चिकलदरा वाले ब्लॉग में देखा होगा। अभी हमारा प्लान आज का day 1 का ऐसा है कि हम यहाँ से अभी मंदिर जाके आ गए, हम वो तो दर्शन हो गया हमारा, उसके बाद हमने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया। यहाँ से अभी हम निकलेंगे और यहाँ पे करीबी एक अंजनेरी फोर्ट करके है, तो जहाँ पे कहते हैं कि भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो ये सब हम एक्सप्लोर करने वाले, तो अभी बस वेट कराओ, मेरे फ्रेंड लोग आएंगे, हम निकलेंगे यहाँ से और सबसे पहले हम अंजनेरी फोर्ट का ट्रैक करके आएंगे वहाँ पे जाते, और उसके बाद आगे भी और प्लान है पूरा day 1 का जो भी प्लान है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। तो चलते अभी। आपको पता है कि ये मेरा पहला ऐसा ट्रैक है जिसके लिए मैंने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था। इससे पहले मैं जितने भी ट्रैक पर गया हूँ वो पुणे के नज़दीकी थे, तो यू नो ये ट्रैक मेरे लिए स्पेशल था। और इस ट्रैक की कुछ खूबियाँ है, ये जो फोर्ट है इसके बारे में काफ़ी मिथोलॉजिकल स्टोरीज है, जैसे कि हनुमान जी का जन्म यहाँ पे हुआ था, माता अंजनेरी का एक ही टेम्पल है पूरे इंडिया में जो यहाँ पे है। सो आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रैक। यहाँ के बंदर थोड़े ज़्यादा ही एग्रेसिव है, अ लिटिल बिट डिफरेंट देन अदर प्लेसेस, क्योंकि अगर आपके पास कोई खाने की चीज़ है तो मे बी आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। सो बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं, तो मेरे लिए पहाड़, झरने, वाटरफॉल, ये स्टेयर से गिरता हुआ पानी, ये इतना भी नया नहीं था। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे ये सब वो पहली बार देख रहे थे, सो दे वर रियली एक्साइटेड। सो ऑलमोस्ट हमने 30 to 40 minutes फोटोज एंड वीडियोज बनाने में लगा दी। थोड़ा आगे ही गए तो हमें मिला अंजनेरी माता का टेम्पल। कहते हैं कि भगवान हनुमान जी का जन्म इसी फोर्ट पर हुआ था। फोर्ट के ऊपर कैमरा अलाउड नहीं था, तो जितने भी वीडियोस मैंने बनाए ये सभी फ़ोन से कैप्चर किए हुए। सो वी आर बैक फ्रॉम द ट्रैक, अभी नीचे आ गए हम, ऊपर कैमरा अलाउड नहीं था, मैंने करते लेकिन वो नासिक से कुछ ऑफिस से परमिशन लेना पड़ता है तो जा लेके नहीं जा सके, तो जो भी वीडियो मोबाइल से बन पाए वो मैंने डाल दिए थे। तो कहते हैं कि जब हनुमान जी ने जंप लिया था सूरज को आम समझ के खाने के लिए, तो उनके पैर के प्रेशर से एक गड्ढा पड़ गया, वो इतना बड़ा है कि उसकी एक झील बन गई। तो वहाँ पर गए, कुछ फ़ोटोज़ खींचे, ऊपर हवा भी काफ़ी तेज थी, थोड़ा एंजॉय भी किया और फिर हम ट्रैक करके नीचे वापस आ गए। चेकआउट का टाइम आ गए, वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम गजान महाराज संस्थान और अभी निकल रहे हम सुला वाइन्स नासिक। सुला में एंट्री फीस आपको पड़ेगी 600 rupees पर पर्सन, जिसके आपको कूपन्स मिलेंगे और इन कूपन्स का आप अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। आए भाई सुला गार्डन, ये बॉटल बनी है यहाँ पे फोटो के लिए, गार्डन है इनका, अभी जाते देखेंगे।
एंड देन वी लेफ्ट सुला वाइनयार्ड्स एंड स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स इगतपुरी। गुड मॉर्निंग, ये है आज का डे टू। 9:30 बजे सुबह के रेडी है, अभी निकलना है। और आज का प्लान ऐसा है कि आज हम जाएंगे सामरथ विलेज, वहाँ पे एक रिवर्स वाटरफॉल भी है। उसके बाद पूरा भंडारदरा लेक का एक सर्कल लगाएंगे। तो अभी चलते नीचे, उससे पहले रूम टूर दे देता हूँ आपको। कभी मिलवा तो आपको मेरे ट्रैवल कंपेनियन, ट्रैवल बडीज रिक्शा वैभव, वैशाली, हेमा, ये अजिंक्य मेरे भाई सागर और सागर की वाइफ प्रगति। पूल है लेकिन पूल में नहाने का मन नहीं है किसी का। जाना है क्या पूल में? नहीं ना, पूल में। चलो ठीक है, अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी जाना है हमें सामरथ विलेज, कम से कम 2 घंटा लगेगा। जो जगह आप देख रहे हो ये भंडारदरा लेक का व्यू पॉइंट। यहाँ से भंडारदरा लेक का काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। तो वी ऑल्सो टूक अ ब्रेक एंड एंजॉय द व्यूज। अब भंडारदरा लेक माउंटेन से पूरा घिरा हुआ है, तो हर मोड़ पे आपको पहाड़ों से गिरते हुए झरने दिखेंगे और वो झरने बहकर आते हैं नीचे इन राइस फील्ड्स में। और जब इन राइस फील्ड्स में से ऐसे झरने दिखाई देते हैं तो हम भी ब्रेक पे ब्रेक लिए जा रहे थे। अब आप ही देख लो ये नज़ारा, किसका मन नहीं करेगा यहाँ पर रुकने का। क्योंकि वो कहते ना, मंजिल से खूबसूरत तो रास्ते होते हैं। जिसने रास्तों को एंजॉय किया, उसे मंजिल मिले या ना मिले, वो हमेशा खुशी रहेगा। तो यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे हमारे मंजिल पर। वहाँ के नज़ारे बहुत ही अमेजिंग थे, कुछ नई दुनिया थी वो, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। ऑल्सो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, गाइज प्लीज़ मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। That will keep me motivated. So, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। Till then, take care. Bye-bye.